अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त हम बुगड़ाना एरिया जो सुरूड़ का है किश्तवाड़ पे वहां पर खड़े हैं और जिस जगह पर ये जो आपको पथरीली जो रॉक्स दिखाई दे रही है ये कुछ और नहीं है बल्कि एक हाइड आउट है जिसको किश्तवाड़ पुलिस 52 बटालियन सीआरपीएफ और 26 आरआर ने जो है मिलकर दो दिन पहले जो है वो बस्ट किया था। और ये वही हाइड आउट है जहां पर लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग हिज कमांडर मिलिटेंट कमांडर जो जहांगीर सुरूड़ी है वो यहां पर रहता था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अंदर केव है इसको यहां से जो है वो ओपनिंग है, यहां से इसको जाना पड़ता है, यहां से फिर आप देख सकते हो अंदर जो है वो इस केव के ये रास्ता है। फिर अंदर जो है इस केव को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें जो है चार से पांच लोग जो है वो रुक सकते हैं। ये जो केव है ये नेचुरल केव है लेकिन बाद में इसको जो है वो शेप दी गई है। ये अंदर से जो है वो काफ़ी बड़ी केव है जब हम इसके अंदर घुसते हैं और इसकी कैविटी जो है वो थोड़ी सी छोटी है लेकिन मैं बता दूं कि इसमें तीन से चार लोग जो है वो अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जो बाहर से इसका एरिया है वो बिल्कुल जो है वो एक सुनसान एरिया है। बाहर से पेड़ है, घास लंबी लंबी है, यहाँ पर देवदार के पेड़ है लेकिन उसके जो ये बड़े बड़े बोल्डर से उसके नीचे जो है यहाँ पर ये केव है जिसमें जहांगीर सुरूड़ी जो है वो कई महीनों से जो है वो रह रहा था यहाँ पर। और मैं बता दूं कि ये जो एरिया है ये बहुत ही जो है वो दुश्वार एरिया है। ये तकरीबन 8,500 फीट की हाइट पर जो है वो यहाँ पर है जो सड़क से है और हमें तकरीबन 3 घंटे यहाँ पैदल चलकर आने में जो है वो लगे हैं। और ये आप जो इस वक्त स्क्रीन पर जो अपोजिट एरिया देख रहे हैं ये गान और सरथल के एरिया है और ये हम इस वक्त जो है वो बुगड़ाना में है। और बुगड़ाना में जो है वो जहांगीर सुरूड़ी का पुराना घर भी है और उसके अलावा जो बादात नीचे गाँव है वहाँ पर भी जो है वो जहांगीर सुरूड़ी का घर है जिसमें वो रहा करता था जहांगीर सुरूड़ी। और उसमें जो है उस घर को जो है वो एनआईए ने पिछले साल जो है वो सीज भी किया है। और मैं बता दूं कि जहांगीर सुरूड़ी पिछले 30 साल से जो है वो एक्टिव है और जो उसके साथ है मुदस्सिर है और रियाज है इन तीनों पर मिलाकर जो है तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का जो है वो इनाम है। और अब क्योंकि जहांगीर सुरूड़ी जो है वो कई सालों से अब एक्टिव है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है एक तरह से टारगेट फिक्स किया है कि जहांगीर सुरूड़ी को जो है वो इस साल या अगले साल तक जो है वो इलेक्शन से पहले पहले या तो एलिमिनेट किया जाए या उसको अरेस्ट किया जाए या उसको जो है वो सरेंडर कराने पर मजबूर किया जाए। मैं बता दूं कि जहांगीर सुरूड़ी का भाई करीम जो है वो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में है और वो पीएसए जो है वो काट रहा है क्योंकि वो टेरर फंडिंग में जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और उनका घर जो है वो किश्तवाड़ में भी है। जहांगीर सुरूड़ी के बेटे ने जो है वो 15 अगस्त के दिन जो है वो अपने घर पर झंडा भी ले रहा था और अपने बाप से जो है वो अपील भी की थी। जहांगीर सुरूड़ी के जो है वो चार बच्चे हैं जिनमें तीन बेटियां हैं और एक बेटा है, उन्होंने जो है वो घर में अपना झंडा भी चढ़ाया था और बाप से अपील भी की है कि वो सरेंडर करे। और उसकी बीवी ने भी जो है वो इस साल 26 जनवरी पर जो है वो किश्तवाड़ में झंडा ले रहा था आर्मी के फंक्शन में, फिर उसने उस वक्त भी जो है अपने हस्बैंड से अपील की थी कि वो वापस आ जाए। इसमें पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज और सेंटर्स की एनआईए जो है वो मिलकर जांच कर रही है और जहांगीर सुरूड़ी की कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट जो 2011 में हुआ था उसमें हुआ था, कई सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करने का भी उन पर इल्जाम है। और अब क्योंकि जैसे जैसे जो उसका हॉट बेड था दक्षिण है मड़वा है जैसे जैसे वहां कनेक्टिविटी हो रही है जहांगीर सुरूड़ी के लिए जो है एरिया तंग पड़ता जा रहा है और अब वो इस तरह के एरिया में जो है वो पना ले रहा था क्योंकि लोग जो है उसको अब पना नहीं दे रहे हैं। ये उसी तरह की जो गुफाएं जिस तरह से जिन गुफाओं में कभी उसामा बिन लादिन जो है वो तोरा बोरा में अफगानिस्तान में रहा करता था। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं फिर से कि इसमें छोटी सी ओपनिंग है आगे से, फिर आगे चलकर जो है ये बहुत बड़ी गुफा है और इसमें जो है वो चार या पांच आदमी भी जो है वो रह सकते हैं। ये आगे से इसका गुफा का, लेकिन जब हम अंदर इसमें डीप में जाएंगे तो वहां और जो है वो फर्दर इसमें जो है रहने के लिए और जगह है। मैं बता दूं कि जहांगीर सुरूड़ी जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल नहीं करता है जिसकी वजह से वो आज तक बचा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो पूरी तरह से अब उस पर रियाज पर और मुदस्सिर पर जो है वो फोकस कर रहे हैं क्योंकि मुदस्सिर की फैमिली ने भी जो है वो अपील की है मुदस्सिर से कि वो जो है वो सरेंडर करे और जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल हो जाए क्योंकि अब इलेक्शन होने हैं यहाँ पर यूएलबी
इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, पंचायत इलेक्शन होने हैं। और मैं बता दूं कि पुराने अगर जो हमारे पास एक्सपीरियंस है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्शन में जो है वो अपने रोल निभाते हैं, और किसको सरपंच बनाना है, किसको इलेक्ट करवाना है, किसको पंच बनाना है, उसमें भी जो है वो उनके काफ़ी रोल रहे हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स के। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये कितना डिफिकल्ट एरिया है यहाँ पर जो बुगड़ाना में हम इस वक्त आए हैं, और इसकी जो का जो रास्ता है कितना दुश्वार है। हम ये रास्ता चढ़कर जो है वो यहाँ पर आए हैं और इस गुफा तक जो है वो पहुँचे हैं। इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, और जो जहांगीर सुडूडी है वो यहाँ पर रह रहा था कुछ महीनों से, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हाइड आउट पर दावा बोला, जहांगीर सुडूडी जो है वो फरार होने में जो है यहाँ से कामयाब हुआ। मैं भी जो है वो जहांगीर सुडूडी से अपील करूंगा यहाँ से कि वो सरेंडर करे, क्योंकि अब लोग नॉर्मलसी की तरफ आए हैं। कश्मीर में तिरंगा यात्रा हुई, कश्मीर में जो है वो टूरिस्ट जो इस साल 1.5 करोड़ आया, वहां मिस वर्ल्ड कंटेस्ट होने जा रहा है। जम्मू डिवीजन में जो है अमन है, किश्तवाड़ में अमन है। अगर किश्तवाड़ को इस वक्त किसी ने बदनाम करके रखा है, या किश्तवाड़ का नाम जो है वो मिलिटेंसी राडार पर है, वो सिर्फ जहांगीर सुडूडी, रियाज और मुदस्सिर की वजह से है। मैं बताना चाहूंगा जहांगीर सुडूडी को कि जो वो 30 साल से जो ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं उससे सिर्फ खून खराबा और बर्बादी जो है जम्मू कश्मीर में फैली है। यहाँ के लोग जो है वो मारे गए हैं, अब ड्रग्स भी जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। अगर उसको किसी चीज़ से लेना देना है वो यहाँ के रिसोर्सेज है, यहाँ की जमीन से। मैं जहांगीर सुडूडी को ये बताना चाहूंगा और अपील करना चाहता हूँ कि वो वापस आए मेन स्ट्रीम में और वो सरेंडर करे, ताकि यहाँ पर अमन और अमान और खुशहाली जो है वो फैल सके। क्योंकि जिस पाकिस्तान की वो जंग लड़ रहा है वहां पर आप हालात देख सकते हो कि किस तरह से वहां हालात है। वहां अफरा तफरी है, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों को काम नहीं है। मैं फिर से इस वीडियो के जरिए अपील करूंगा जहांगीर सुडूडी को कि वो जो है वो सरेंडर करे। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये साफ बताया है कि वो जहांगीर सुडूडी का पीछा करते रहेंगे। उनका टारगेट यही है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको जिंदा पकड़ा जाएगा, अगर वो सरेंडर नहीं कर जो है वो करते हैं उनका जो एनकाउंटर है वो होना तय है। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चों के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर, अपनी जवान बेटियों के खातिर जो है वो सरेंडर करे, ताकि किश्तवाड़ में जो है वो अमन आ सके। मैं आसिफ नायक, जो बुगड़ाना में जो नेचुरल केव हाइड आउट जो बस्ट हुई है वहां से आप सबको जो है ये अपडेट दे रहा हूं, और मैं पहला रिपोर्टर हूं ऐसा किश्तवाड़ का जो इस गुफा तक जो है वो पहुंचा है, और हमें 3 से 3.5 घंटे यहां तक चलने को लगे हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।